इस पंक्ति में सिर्फ पहले की तीन लाइनों में यीशु कहते हैं, जब वो कहते हैं मैं कहता हूं, उसके बाद सारा हमारा काम है। यदि तुम प्रार्थना में कुछ मांगोगे, तुम मांगोगे नहीं, होगा कैसे? फिर से सवाल करता हूं, यदि तुमको विश्वास नहीं है कि प्रभु तुमको घर दे सकते, क्या तुम एक घर मांगोगे? नहीं, तुम रेंट मांगोगे। प्रभु क्या कहते, तुम्हारे विश्वास अनुसार। तुम जाकर बोले भाई मेरे पास टेस्टिमनी क्या? बोले मैंने विश्वास से अप्रैल की रेंट दे दिया। बोला विश्वास कर, मैं आने वाला है। बोले मैं अपने तो बता दूं, मैंने विश्वास किया, प्रभु ने मुझे घर दिया। लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारे पास तो पैसे है नहीं। याद रखो एक एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। कैसे सुनना? जब तुम प्रभु तुमको कुछ बोलते हैं, तुमको ये नहीं बोल रहे पैसे बंदोबस्त करो, तुमको बोल रहे विश्वास करो। क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसे है तो तुम खुद बंदोबस्त नहीं कर लोगे। यदि प्रभु कुछ कहते हैं तो वो ये नहीं कह रहे पैसे तैयार करो, वो कह रहे बेटा विश्वास करो। प्रभु कहते हैं जो कुछ भी तुम मांगोगे, मतलब लिमिटेशन कहां है? लिमिटेशन कहां है? मैं मतलब पहले की तीन चार शब्द प्रभु ने अपने लिखे, मैं तुम सीखे, उसके बाद सारा तुम है। तुम जो कुछ भी मांगोगे तो लिमिटेशन कहां है? हमारे विश्वास में और हमारे मांगने में। आज कोई बोल सकता है मैंने जरूरत की है प्रभु को विश्वास करने की? मैं विश्वास करता हूं किसी का जीवन कंप्लीटली टर्न अराउंड लेगा, और विश्वास से हम चलना सीखेंगे कि मेरे परमेश्वर द्वारा सब कुछ संभव है। और इसलिए लोग प्रेयर क्यों करेंगे अगर संभव नहीं है? तो हमारे तो शब्द भी नहीं निकलेंगे। बोलो तो हाँ, देखो प्रभु से घर मांगो, हाँ प्रभु से एक लड़का या लड़की शादी के लिए मांग रहे, हाँ। इतने लोगों की गवाही है कि जब उन्होंने दुआ की, प्रभु ने उनको दिखा दिया कौन है वो लड़की, प्रभु ने उनको दिखा दिया कौन है वो लड़का, प्रभु ने उनको दिखा दिया कहां रहते हैं वो। लेकिन कोई क्यों करेगा जब तक विश्वास नहीं करेगा? क्या बोलेंगे, अरे तुम्हारी उम्र देखते हो तुमको कौन मिलेगा? जो संदेह वाले लोग ऐसे ही बोलेंगे ना, देखो मैंने प्रभु पे विश्वास किया, आई बिलीव इन गॉड। कैसे विश्वास किया? प्रभु के वचन के अनुसार किया। तो क्या संभव है? जो सब प्रभु बोलते हैं वो सब संभव है। आमेन। अगर प्रभु तुमको वो बात बोले जो तुमसे संभव है, तो फिर प्रभु तुमको विश्वास करने क्यों कहेंगे? हमको और आपको उसके लिए प्रार्थना करने की क्या जरूरत? अगर इसलिए परमेश्वर अगर परमेश्वर है तो हमसे अधिकतर वो वही बात करेंगे जो इंसान के लिए संभव नहीं है। बोलेंगे बेटा विश्वास करो, मैंने तुमको विश्वास करने के लिए। आमेन। प्रभु ने मुझसे जो भी कहा असंभव था, मेरी अपनी बुद्धि से असंभव था, लेकिन विश्वास द्वारा आज भी मैं इतने काम करता हूं, मेरे अपनी बुद्धि से असंभव है, लेकिन परमेश्वर द्वारा। और इसीलिए जब जहां हम विश्वास नहीं करते वहां हम खुद ही परमेश्वर को रोक देते हैं हमारे लिए काम करने के लिए। लिमिटेशन क्या है? यीशु बोले तुम जो मांगो, लेकिन तुम मांगोगे तभी, तुम विश्वास करोगे तभी। आमेन। हम में से कई लोग कन्विंस नहीं है कि प्रभु अच्छे परमेश्वर, कई लोग की कोख नहीं खुली, विश्वास नहीं कर सकते कि प्रभु देना चाहते, कई लोग के पास घटी कमी, विश्वास नहीं कर सकते कि प्रभु सही में ब्लेस करना चाहते, कई लोग के घर में अशांति है, विश्वास नहीं कर सकते कि प्रभु चाहते घर में शांति रहे। सिंपल फेथ, चाइल्ड लाइक फेथ, एक बच्चों जैसा फेथ, मुश्किल होता है। क्यों? हमारा माइंड ऑलरेडी वर्ल्ड के वे से ट्रेंड है। प्रभु ने क्या बोला, पे मत करो, प्रे करो। इसे जब प्रभु कुछ बोले तुरंत उसके पीछे लग जाओ। आमेन। जब तुम वचन पढ़ो और कुछ देखो कि संभव है प्रभु बोल रहे, पीछे पड़ जाओ, उसमें अपना फेथ मिक्स कर दो। आमेन। बोलो जब मेरा परमेश्वर के, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां जितने भी लोग बैठे सबके लिए सब कुछ संभव है, ये सारी बातें सबके लिए संभव है, लेकिन क्या सब विश्वास करेंगे? शायद सब नहीं करें। आमेन। जब विश्वास नहीं करते हम परमेश्वर को रोक देते, बोलते बेटा पे मत करो, प्रे करो। वचन कहता है डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू डिजायर्स ऑफ योर हार्ट।
प्रभु में आनंदित रहो, वो तुम्हारे दिल की सारी मुरादों को पूरा कर दे। यीशु कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो कुछ मांगोगे पिता से मेरे नाम पे वो तुम्हें मिलेगा। तो कंडीशन क्या है? प्रभु में बने रहने से हमारी सारी मुरादें प्रभु कहते हैं हाँ और आमीन, यदि उसका वचन हम पे बना रहे, आमीन। और कई लोग गॉड के साथ भी एग्री नहीं कर सकते, गॉड से भी आर्ग्यूमेंट, लेकिन आपने तो ऐसा तो वैसा तो किंतु फिर परंतु, क्या हम गॉड के साथ एग्री कर सकते? अगर दो एग्री करें तो एक परमेश्वर एक आप बन जाइए। बोलो प्रभु आपके वचन में लिखा है और मैं अपना फेथ मिलाना चाहता हूं। और इसलिए कई लोग यीशु के जीवन के बारे में जानते हैं, यीशु की आत्मा के बारे में नहीं जानते। तुमको मालूम है, तुमने बाइबल की स्टोरीज पढ़ी है, बोले यीशु ने ये किया, यीशु ने वो किया, यीशु ने चंगा किया, यीशु ने अशुद्ध आत्माएं निकाली, यीशु ने मरो को उठा दिया। तुम बोलोगे ऐसा मेरे को मालूम है, स्टोरीज मालूम है, लेकिन क्या तुमने वही आत्मा जो यीशु में था? तुम बोलोगे नहीं, हमारे को खाली स्टोरी मालूम है जो यीशु की है। प्रभु की आत्मा को जाने, वही की वही आत्मा हम सब में, आमेन। आज हम भी वही कर सकते हैं जो प्रभु कहते हैं कि हम कर सकते हैं। तुम प्रार्थना करने लग जाओगे जब तुम विश्वास करोगे, विश्वास प्रार्थना करते, आमेन। और तुम्हारी प्रार्थना को तुम्हारा विश्वास उसका जवाब लाता है, आमेन। प्रभु कहते हैं प्रार्थना करो और विश्वास करो, मतलब संदेह ना करो, मन में डाउट मत करो, डाउटर्स की बातें मत सुनो, आमेन।